Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class first. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है. आज की क्लास में हम पाठ 19 मीठे बोल इस कविता के जो बाकी के प्रश्न उत्तर है अभ्यास प्रश्न उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे. पिछली क्लास में हमने इस पाठ के कुछ प्रश्न किए थे, जैसे कि अभ्यास प्रश्न थे वो. प्रश्न एक, सही उत्तर पर राइट लगाओ, और प्रश्न दो, शब्द सीधी पूरी करो. ठीक है, इनमें से चार जो ये प्रश्न थे वो आपको अपनी कॉपी में करने थे. जैसे कि प्रश्न देखो, ये आपको पिछली क्लास का कक्षा कार्य था, अभ्यास लिखना था आपको. फिर प्रश्न एक, सही उत्तर पर राइट लगाओ. का प्रश्न, हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है मिसरी जैसी. तो मिसरी जैसी इस शब्द के आगे आपको क्या करना था, राइट का निशान लगाना था और क्या लिखना है, मिसरी जैसी. उसके बाद एक लाइन छोड़कर ख प्रश्न, हमें कैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सच या रचकर. तो सही उत्तर है रचकर, हमें रचकर बातें नहीं बोलनी चाहिए. उसके बाद ग प्रश्न, एक लाइन छोड़कर मन की गांठें कैसे खोलनी चाहिए, हंसकर या फिर रोकर. तो इसका सही उत्तर है हंसकर, तो हमें यहाँ पर लिखना है हंसकर. फिर एक लाइन छोड़कर घ प्रश्न, हमें कैसे बोलना चाहिए. ठीक है, हमें कैसे बोलना चाहिए, सोच समझकर या फिर लड़ झगड़ कर. तो इसका सही उत्तर है सोच समझकर. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको क्या करना था, ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना था. और जो शब्द सीधी वाला प्रश्न था वो आपको अपनी किताब में ही करना था, जैसे हंसना, फिर एक शब्द बना नाव, कबूतर, थर्मस, सड़क. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न तीन, शब्द बनाओ. प्रश्न क्या है, शब्द बनाओ. अब आपको क्या करना है, जैसे कि रो शब्द लिखा है, रो प्लस ना, हंस प्लस ना, वो प्लस लो और खो प्लस लो. तो इन शब्दों को जोड़ते हुए क्या बनाना है, शब्द बनाना है. ठीक है, दो शब्द हैं उनको जोड़ना है और शब्द बनाना है. वैसे तो ये क्या कहलाते हैं, वर्ण, क्योंकि ये शब्द नहीं है, क्या है, वर्ण. पहला है रो प्लस ना. पहला शब्द क्या है, रो प्लस ना. तो हम यहाँ पर शब्द लिखेंगे रोना. क्या शब्द बन जाएगा, रोना, रोना. उसके बाद हंस प्लस ना, तो शब्द बन जाएगा हंसना. फिर है बो प्लस लो, तो शब्द क्या बनेगा, बोलो. उसके बाद है खो प्लस लो, तो शब्द बन जाएगा खोलो. तो शब्द क्या क्या बने, रो प्लस ना, रोना, हंस प्लस ना, हंसना, बो प्लस लो, बोलो, और खो प्लस लो, खोलो. अब अगला प्रश्न है प्रश्न चार. प्रश्न चार क्या है, सही शब्द चुनकर पंक्तियां पूरी करो. ठीक है, अब यहाँ पर सही शब्द तो चुनने के लिए शब्द ही नहीं दिया है, पर हमने क्या पढ़ी है, कविता पढ़ी है. तो उस कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, उन्हें हमें पूरा लिखना है. पहली पंक्ति है, जब बोलो तब रिक्त स्थान, फिर लिखा है बोलो. तो हमने क्या पढ़ा था, जब बोलो तब हंसकर बोलो. तो यहाँ पर हम लिखेंगे हंस कर, जब बोलो तब हंसकर बोलो. उसके बाद रिक्त स्थान में मिसरी सी रिक्त स्थान, तो हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, बातों में मिश्री सी घोलो. तो यहां आ जाएगा बातों में मिश्री सी, और यहां आ जाएगा घोलो, बातों में मिश्री सी घोलो. फिर अगला शब्द है जब बोलो तब रिक्त स्थान बोलो. ठीक है, तो हमने पढ़ा था जब बोलो तब सच सच बोलो, तो यहां आ जाएगा सच सच. और फिर अगला है कभी ना बातें
रिक्त स्थान बोलो, तो हमने पढ़ा था जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो, यानी मन से कुछ भी बात मत बोलो। तो यहाँ आ जाएगा कभी ना बातें रच रच बोलो। ठीक है, जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो, जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या दे रखा है? उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। प्रश्न 5 क्या हो जाएगा? उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ शब्द यानी विलोम शब्द, जैसे हंसकर, हंसकर शब्द का उल्टा शब्द क्या होता है? सच शब्द का उल्टा शब्द क्या होता है वो आपको लिखना है। तो हंसकर का क्या हो जाएगा? रोकर। कोई हंसता है तो कोई रो देता है, हंसकर रोकर। फिर है सच, तो सच का विलोम शब्द उल्टा अर्थ हो जाता है झूठ। क्या हो जाएगा? झूठ। हंसकर रोकर, सच झूठ। ठीक है, अब है अगला प्रश्न जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स। क्या प्रश्न है? सही चित्र पर हंसी का स्टिकर व गलत चित्र पर, ये किसका चित्र हो जाएगा? मायूसी का स्टिकर चिपकाओ। ठीक है, तो देखो पहला चित्र क्या है, इस चित्र में ये लड़का अपने दोस्त को किताब दे रहा है, यानी उसकी मदद कर रहा है। तो इस पर आप कौन सा लगा दोगे? आप हंसी वाला, कौन सा? हंसी वाला स्टिकर। इस चित्र में ये दोनों लड़ रहे हैं तो ये गलत बात है, तो यहाँ पर ये वाला स्टिकर चिपकाना है। स्टिकर कहाँ मिलेगा? बुक में पीछे से। इस वाले चित्र में ये बच्चे क्या कर रहे हैं? बाहर का खाना खा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो ये गलत बात है, बच्चों को स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? मायूसी का चित्र। और इस चित्र में ये लड़का क्या कर रहा है? बड़े कोई अंकल है उनको नमस्कार कर रहा है, तो बिल्कुल सही चीज है। तो यहाँ पर हंसी का स्टिकर चिपकाना है। ठीक है, ये यहाँ पर हंसी का, यहाँ पर मायूसी का, यहाँ पर भी मायूसी का और यहाँ पर हंसी का स्टिकर आपको किताब में पीछे मिल जाएंगे, वहां से आपको लेके चिपकाना है। अब है मस्ती का समय। देखो यहाँ पर एक पोयम दी गई है, वो पोयम हम पढ़ लेते हैं। बिल्ली, पोयम किस पे दी गई है? बिल्ली पर। म्याऊं म्याऊं बोल बोल कर इधर उधर मंडरा इधर उधर रहती मंडराती, जब भी पा जाती है मौका छटपट घर में है घुस जाती, लाख लगा दो उस पर पहरा दूध दही वह चट कर जाती, जब दिखाए कोई चूहा मार झपट्टा वह खा जाती, दिख जाए जो खीर मलाई लप लप उसे वह खा जाती, अगर पकड़ लो चोरी उसकी भोली भाली है बन जाती। यानी कि क्या कह रही है ये कविता, के जो बिल्ली होती है वो म्याओ म्याओ बोल करके इधर उधर मंडराती रहती है, और जब भी उसे मौका मिल जाता है तो वो फटाफट से घर में घुस जाती है, उस पर चाहे आप कितना भी पहरा लगा दो, यानी आप उस पर कितनी नजर रख लो, वो घर में रखा दूध दही चट कर जाती है, यानी दूध दही को खा जाती है, और अगर उसे कोई चूहा दिख जाए तो वो झपट्टा मार लेती है। झपट्टा मार देती है यानी पंजे से मार देती है उसको। दिख जाए जो खीर मिलाई, अगर बिल्ली को कभी खीर मलाई दिख जाए तो उसे लप लप खा जाती है, यानी फटाफट से खा जाती है, और अगर उसकी चोरी पकड़ लो यानी उसको दूध मलाई खाते पकड़ लो तो वो भोली भाली बन जाती है। ठीक है, एकदम मायूसी बन जाती है, और क्या बोलती है? म्याऊं म्याऊं। तो ये तो हो गई बिल्ली की कविता के बारे में बात। ठीक है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए था, इसके प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे। अब आज का जो काम है वो आपको अपनी कॉपी में किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी पिछली कक्षा का काम था, आज की कक्षा का कार्य क्या है ये देखो। कक्षा कार्य प्रश्न 2, शब्द बनाओ। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, जैसे रो प्लस ना बराबर रोना, हंस प्लस ना बराबर हंसना, बो प्लस लो बोलो, खो प्लस लो खोलो। उसके बाद एक लाइन छोड़कर प्रश्न 3, सही शब्द चुनकर पंक्तियां पूरी करो। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो, जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो। ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से शब्द के नीचे
आएगा रिक्त स्थान, जैसे हशकर, बातो, घोलो, सच सच रच रच, इन शब्दों में रिक्त स्थान था, इसलिए हमने क्या किया है, नीचे रिक्त स्थान बनाया है। फिर प्रश्न चार, उल्टे अर्थ वाले शब्द निकालो। जैसे पहला है हंसकर, तो हंसकर का उल्टा शब्द होता है रोकर। उसके बाद दूसरा शब्द है सच, तो सच का उल्टा शब्द हो जाता है झूठ। ठीक है, तो यही प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। बाकी का जो ये प्रश्न अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, स्टिकर वाला, वो सिर्फ आपको किताब में करना है, और ये तो कविता थी। तो आशा करूंगी कि आज की क्लास में जो मैंने आपको प्रश्न उत्तर करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, काम करने का तरीका भी आपको समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।